इसमें मतलब ये जो पैक मैं बता रही हूँ फरवरी का है, अपना फर्स्ट ही पैक है। और इसमें हमें चाय पत्ती और आंवला भिजो के रखा था ना, उसका पानी डालना है। ठीक है, आंवला भी हमें साथ के साथ में डाल देना है। इसमें बाद में पीसना है हमें सारी चीजें, अभी तो हमें डाल देनी है। ठीक है, ठीक है। आंवला और चाय पत्ती का, आप चाय पत्ती का पानी उबाल के आंवलों को उस चाय पत्ती के पानी में भी भिजो सकते हो। ठीक है, अगर कोई अलग अलग करना चाहता है तो अलग अलग भी कर सकता है, पर चाय पत्ती का पानी आपको पहले छान लेना है। ठीक है, और अब हमें इस पानी को अच्छी तरीके से ब्लैक करना है पूरा। ठीक है, चाय पत्ती और आंवले के पानी को, कैसे धुआं धुआं निकल रही है ना। ठीक है, शायद आपको इस धुएं से दिख नहीं रहा होगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी, जो मेरी मतलब जो शैम्पू, मैं कुछ भी शैम्पू का पानी लगाती हूँ मेथी वाला या कभी कुछ, तो मेथी इकट्ठी हो जाती है, मैं वही मेथी डाल रही हूँ इसमें। ओके, अब वही मेथी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। और जिनके पास में हेयर प्रोटीन का मसाला रखा हुआ है या क्या बोलते हैं शैम्पू का मसाला रखा हुआ है, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया है मैंने आप लोगों को, लिए आप वो भी डाल सकते हो। अब डालना है इसमें हमें हरा धनिया। ठीक है, अब ये पैक मैं आपके दो तीन चीजों के लिए बता रही हूँ, जैसे एक तो आपके वाइट हेयर है उनके लिए। ठीक है, पर चाय पत्ती का पानी अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा सा करना, थोड़ा चाय पत्ती 4 से 3 चम्मच या 4 चम्मच लेना, जिससे कि जो पानी है आपका अच्छे से लाल लाल या काला काला गाढ़ा गाढ़ा सा बने, और फिर छान लेना। फिर उसमें आप चाहे तो आंवलों को भिजो सकते हो। एक दीदी ने बोला आप तो एप्पल गुडनेस के पाउडर यूज करते हो अक्खा आंवला। दीदी मेरी पुरानी वीडियो आप जाके देखिए, मैं तो अक्खा आंवला ही स्टार्टिंग से यूज करती हूँ, सारी दीदियों को पता है। ओके, शायद आप वीडियो नहीं देखते हो तो आपको पता कहाँ से होगा। ओके, तो ये हरा धनिया डालना है हमें, और हरा धनिया और मेथी हम बालों को लॉन्ग करने के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे बाल, क्योंकि मैंने बालों को मोटा घना करने वाले पैक तो आप लोगों के लिए बता ही दिए, पर बहुत सी दीदियों का ये आ रहा था कि दीदी आप हमें बालों को लॉन्ग कैसे करें, और तो उसके लिए आप लोग आप पैक बताइए दीदी, तो मैं बस वो भी पैक आपके लिए बता रही हूँ। धना हो, इसमें हम मेहंदी भी ऐड कर सकते हैं, पर मेहंदी ऐड करने का प्रोसेस अलग है। अगर जिनके पास में सर्दी नहीं है तो वो ऐसा कर सकते हैं, ये जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, और आप इसे पीस लेते हो, तो आप इसमें मेहंदी मिला के एक दिन के लिए छोड़ सकते हो और अगले दिन आप लगा सकते हो। ठीक है, जो मेहंदी मिलाना चाहता है, पर आपको लोहे के उसमें ही रखना पड़ेगा इसको। ओके, धनिया थोड़ा ज्यादा ही डालना आप लोग, इधर जिनके बाल ज्यादा हैं तो ज्यादा ही डालना। ठीक है, और इसमें डालनी है हमें अलसी, जो ऑप्शनल है, मतलब अलसी डालनी है, जो जरूरी नहीं है, अगर आप लोगों के पास में है तो डाल लेना, पर ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इससे गर्माहट आती है और हमें सर्दी नहीं लगती है, मतलब सिर को ठंड नहीं लगती, क्योंकि अलसी गर्म होती है बहुत इस वजह से।
और देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है। ठीक है, ऐसे हमें इसे ब्लैक होने देना है और अच्छे से पकाने के बाद में हमें इसे पीस लेना है। ठीक है, ठंडा होने के बाद में पीस लेना है और आप लोग धुले हुए बालों में ही लगाना। चलो आगे देख लेते हैं आगे और कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए पीस लिया है मैंने। जो अगर हरा धनिया नहीं डाल सकते हैं तो मतलब वो निकलता नहीं है जल्दी से, तो जूस डाल सकते हैं हरा धनिया का पीस के। सॉरी आप लोग माइंड मत करना, मेरे इधर लाइट की परेशानी चल रही है, लाइट नहीं आ रही है इसलिए वीडियो भी लेट हो रही थी मेरी, मैं यहाँ इसके उजाले में पैक लगा के बता रही हूँ आपको। ये फरवरी का पैक है अपना। ठीक है, और धुले हुए बालों में ही लगाना है हमें ये पैक और पानी से ही निकालना है। अगर आप धुले हुए बालों में लगाओगे तो आपके जो वाइट हेयर है उन पे अच्छे से कलर आएगा ब्लैक। ठीक है, अगर आप लोग धुले हुए बालों में लगाओगे, और दूसरी बात आपके बाल भी लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएंगे इस पैक से, और सबसे बड़ी बात ये आपके बालों को घना भी करेगा साथ में और मोटा भी बनाएगा। ठीक है, मैंने बोला था ना मैं ऐसा पैक लाऊंगी आप लोगों के लिए जो आपके सारी चीजों के लिए काम करेगा एक ही पैक। इसे हमें 2 घंटे या 1 घंटे लगा के रखना है। अगर आपके यहाँ पर सर्दी नहीं है तो आराम से आप 2 घंटे लगा के रखो और फिर पानी से हेयर वॉश कर लेना, शैम्पू से नहीं करना है, नहीं तो इसका पूरा बेनिफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब पूरा बेनिफिट निकल जाएगा तो फिर क्या मतलब पैक लगाने का। आप इसे रेगुलर लगाओगे तो आपके बालों में एक अच्छा सा ब्लैक या मेहरून सा कलर स्टार्ट हो जाएगा आना आपके बालों पे। लाइट नहीं है, क्या करूं, बिना लाइट के वीडियो बनाना पड़ रहा है। जब मैं वीडियो बना रही थी ना आपके लिए ये पैक ये डाल रही थी सामान सारा पैक बनाने के लिए, तब तो आ रहा था लाइट। बस मैं कैसे करती जाती हूँ, किस किस दिन पैक लगाती हूँ, आप वैसे ही लगाते जाइए और वैसे ही करते जाइए, आपको पक्का फायदा मिलेगा। ठीक है, और मेरे को एक बात और बोलनी है, मुझे मेथी पानी जैसे लगाते हैं बॉसों के बोलते हैं दीदी हमें मेथी पानी सूट नहीं करता है, तो मेथी पानी उनको सूट नहीं करता है जिनकी ऑयली स्कैल्प है। अगर जिनकी ड्राई स्कैल्प है उनको सूट करता है, और जिनकी ऑयली है तो उनको वो सूट नहीं करता होगा, मुझे पता है। तो आप लोग ऐसी कीजिए कि अगर ऑयली स्कैल्प है आपकी तो आप मेथी पानी के साथ में चावल भी भिजो दिया कीजिए। ठीक है, तो आपको वो पक्का सूट कर जाएगी या कर देगा, मेथी पक्का सूट करना स्टार्ट कर देगी आप लोगों के लिए।
हमारे बाल कब टूटते हैं बीच में से? जब हमारा जो मतलब ऑयल होता है वो निकलता नहीं है बालों में से और साफ नहीं होता है, तब हमारा बाल टूटता है, ठीक है? और तभी हमें डैंड्रफ होता है, जब हमारा स्कैल्प साफ नहीं होता है, ठीक है? अगर ऑयली स्कैल्प होगा आपका तो आपका डैंड्रफ भी जल्दी जल्दी होगा। तो इसलिए आप जितना हो उतना पहले अपने सिर को साफ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जितना आप साफ रखोगे सिर को, पैक लगाने के बाद में बाल बनते नहीं है, क्योंकि ये लग जाता है ना, तो इससे टाइट हो जाते हैं बाल, ठीक है? ये लग जाता है, जब टाइट हो जाता है, मेरा बच्चा ले तो मैं लगाऊ ना इसे पर क्या करें, बालों के लिए लगाने पड़ते हैं। अब आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाती तो आप लोग यह बोलते दीदी बोल के रह गई वीडियो बनाया नहीं। अब आप लोगों को थोड़ी ना पता कि मेरे को क्या परेशानी हो रहा है इधर। जब वीडियो बनाने बैठती हूँ तभी लाइट चली जाती है। अब मैंने सोचा जाने दे, जा रही है जो जा रही है, जिनको देखनी होगी तो वो देख ही लेंगे जैसे भी करके। अब मैं इसे एक घंटे रखूंगी अच्छे से, और एक घंटे के बाद में पानी से हेयर वॉश कर लूंगी, फिर अच्छे से सुखाने के बाद में ऑयल करेंगे, ठीक है? जो भी ऑयल आपको सूट करता है, आप कोई भी ऑयल लगाए जो भी सूट करता है आपको, ठीक है भाई? स्केल के हिसाब से होता है, किसी को कुछ सूट करता है और किसी को कुछ सूट करता है, ठीक है? और हाँ, ये दो मुंह के बाल जिनके दो मुंह के बाल हो रहे हैं, दीदी का मुझे कमेंट आया कि दीदी उन्हें काटना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं होता, बाल यहाँ से बढ़ता है, नीचे से नहीं बढ़ता है, ठीक है? तो बढ़ता है तो इसलिए काटने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, ये दो मुंह के बालों के लिए भी बेस्ट है ये पैक आप लोगों के लिए, ठीक है? ओके बाय।